हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इसको समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनको आप लोगों ने अब कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा। सिंपली जब आप स्टिल वाटर में, आप एक बाल्टी ले लो, उसमें पानी भर लो, पानी स्टिल हो जाए, उसमें आप स्टिक डालो, वो स्टिक आपको वाटर सरफेस जहां से स्टार्ट होता है वहां से लगे कि वो थोड़ी सी बुड़ गई है। या आप एक लेमन लो, कांच के ग्लास में पानी डालो और उस लेमन को उस ग्लास में डाल दो, तो आपको लगेगा कि लेमन की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई। देखिए, मैंने लेमन लिया है, ये हमारा कांच के ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैंने इसमें लेमन को डाला, तो आपको लग रहा होगा कि इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई। वास्तविक रूप से इसकी साइज बड़ी नहीं हुई, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि इसकी साइज बड़ी हो गई। या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, या टैंक्स या पॉन्ड का बॉटम जो है उसका उठा हुआ सा लगना, या किसी बाउल में पानी भर करके आपने उसमें एक सिक्का डाल दिया तो क्वाइन उठा हुआ सा लगेगा। ये सारी जो घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं का एक ही कारण है, दैट इज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। When light rays travels from one medium to another medium, it bends from its original path, and this phenomenon is known as refraction of light. Means, जब light rays एक transparent medium से दूसरे transparent medium में travel करती हैं, तो अपने original path से bend हो जाती हैं। इस घटना को हम बोलते हैं refraction of light। इसको एक figure से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये मैंने इंटरफेस बनाया, इस इंटरफेस के इधर ये हमारा सेकंड मीडियम है और यहां पर हमारा कोई फर्स्ट मीडियम है। लाइट रेज इस तरह से ट्रेवल कर रही है, इस तरह से यहां पर इंसिडेंस हुई, और ये लाइट रेज जब यहां पर इंसिडेंट होगी तो इसका ओरिजिनल पाथ इस तरह से इसको सीधे ही ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना ट्रेवल करके ये अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी इस तरह से। तो इस को हम बोलते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा कर दें, ये तो ये जो लाइट रेज थी आफ्टर रिफ्रेक्शन या तो टुवर्ड्स नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, ये डिपेंड करता है हमारे मीडियम पर, जो हमारा ऑप्टिकल मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो हम लोगों ने समझा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग देखते हैं काज ऑफ रिफ्रेक्शन, इस रिफ्रेक्शन का काज क्या है। रिफ्रेक्शन का काज है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट डिफरेंट होना। मींस स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम मीडियम टू मीडियम, मींस हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज हो जाती है। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट स्पीड चेंजेस। तो जब इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वजह से ये जो लाइट रेस का ओरिजिनल पाथ है उससे थोड़ी सी मुड़ जाती है, थोड़ी बेंड हो जाती है, और हम इसी फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अब आप यहां पे थोड़ा केयर कीजिएगा, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रेक्टेड रे, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और फिर हमारा पॉइंट है ऑप्टिकल मीडियम। तो व्हाट इज ऑप्टिकल मीडियम, द मीडियम इन व्हिच लाइट रेज ट्रेवल्स और लाइट रेज कैन पास, तो उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल मीडियम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। फर्स्ट इज ऑप्टिकली रियरर मीडियम, द मीडियम या द ऑप्टिकल मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन अदर मीडियम, देन दैट ऑप्टिकल मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकली रियरर मीडियम। एंड सेकेंड इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द ऑप्टिकल मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज स्लोअर देन द अदर मीडियम, देन दैट ऑप्टिकल मीडियम इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब हम देखते हैं कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का क्या इफेक्ट होता है रिफ्रेक्शन पर। थोड़ा केयर कीजिएगा, हमने टू मीडियम लिया, सपोज दैट दिस मीडियम इज रेयरर एंड दिस मीडियम इज डेंसर। हमारा फर्स्ट मीडियम जो है वो रेयरर है, सेकंड मीडियम मेरा डेंसर है, और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट रेज पास करेंगी, यहां पर हमारा ये नॉर्मल हो गया, तो जब रिफ्रेक्शन होगा, तो रिफ्रेक्शन के बाद इसका ओरिजिनल पाथ ये वाला था,
इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जब रिफ्रेक्शन हो गया मीन्स ये अपने ओरिजिनल पाथ को इसने छोड़ दिया, ओरिजिनल पाथ से ये मुड़ गई, किधर को मुड़ेंगी, जब ये डेंसर रियरर से डेंसर में आएंगी तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होंगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब ये डेंसर, ये डेंसर मीडियम और ये रियरर मीडियम, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा नॉर्मल, तो फिर ये अभी फ्रॉम नॉर्मल होगी, जब ये मुड़ेगी इसका ओरिजिनल पाथ ये वाला होना चाहिए था, लेकिन जब ये मुड़ेंगी तो अभी फ्रॉम नॉर्मल मींस इस डायरेक्शन में ये मुड़ेंगी, मींस नॉर्मल से अभी हो जाएंगी, नॉर्मल से दूर हो जाएंगी। तो जब ये डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में लाइट रेस पास होंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज अभी फ्रॉम द नॉर्मल और इधर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकली रियरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और रियरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मेक का रिफ्रैक्शन पर क्या हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। ये हमारा इंटरफेस हो गया, इधर हमारा सेकेंड मीडियम हो गया, इधर हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया, ये लाइट रेज है, इंसिडेंट हो रही है, और ये इस पॉइंट पर हमारा नॉर्मल हो गया, और ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, और इंसिडेंट या रे ऑफ इंसिडेंस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। देखिए तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है उसको देखिए, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में लाई करेंगे, मींस इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये सेम प्लेन पर होंगे। और सेकेंड हमारा कहता है रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। डच के एक साइंटिस्ट का नाम था स्नेल, जिसने इसका पता लगाया था, तो उसके नेम पर इसको स्नेल्स लॉ भी हम कहते हैं। इट मींस साइन आई अपॉन साइन आर दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम एन से शो करते हैं, इस कांस्टेंट को हम एन से या एन टू वन से शो करते हैं, मींस इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन टू लॉज आप लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको हम कॉमनली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलते हैं। अगर हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें तो वी कैन से द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और कॉमनली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इट मींस अगर हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ले लें तो n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ओके, अगर हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हम एन टू वन से डिनोट करेंगे, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, देन वी कैन राइट हियर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट
इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। देखिए बेटा यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इसको हम सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम दैट इज वी। यहां पर देखते हैं हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, हम इसको वी वन ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं वी टू। यहां पर हम फर्स्ट मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और सेकेंड मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। वी नो एन टू वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, एंड वी वन अगर हम यहां से वी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वी यहां आ जाएगा और सी एन यहां आ जाएगा, मीन्स एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, वी यहां ले आइए तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन एन। तो हियर वी कैन राइट सी अपॉन एन वन अपॉन सी अपॉन एन टू, सी इज कैंसिल बाई सी, देयर फोर एन टू वन इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, ये हो जाएगा हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन। ओके, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है, आप ये समझ लीजिए जिस भी मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। अब हम लोग ये कंडीशन जान लेते हैं कि कब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये पहला मीडियम है और ये हमारा दूसरा मीडियम है, अगर लाइट रेज यहां पर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है तो जब ये नॉर्मल इंसिडेंट होगी तो इनमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मींस ये विदाउट डेविएशन ये स्ट्रेट लाइन पर चली जाएंगी। ओके, और सेकेंड कंडीशन तब होगा जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा, तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा तो फिर रिफ्रैक्शन होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये दो कंडीशन ऐसी होती हैं जब रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, अ पार्टली इमर्ज स्टिक अपीयर बेंट एट द वाटर सरफेस, सेकेंड एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, जैसे हमने बताया क्वाइन डाल दीजिएगा उठा हुआ सा लगेगा, एंड अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप दैट इट एक्चुअली इज, मीन जितना ये एक्चुअल में डीप होता है जितना गहरा होता है उससे कम दिखता है, और है द स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकल, तारे हमें टिमटिमाते हुए से लगते हैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं ये सब है किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो आपको केवल एक लाइन में आंसर लिखना है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, राइट कर ले बेटा आप लोग इसको।